दर्शन तेरी हर जिंदा तू है मेरा पचहत्तरवीं योम आजादी की मुबारकबाद देने के लिए निकाली। हमारा जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भाईचारा है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको कायम रखने के लिए और सदियों तक उसको आगे चलाने के लिए इन लोगों की मोहब्बत आपने देखी। ये मेरी अपनी थी कि जब हम इस रैली को कंक्लूड करें तो हम तिरंगा अपना उन सुरक्षित हाथों में दें जिन हाथों में वो 1947 से लेके आज तक, और कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं लगी। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि पुंछ का हर बच्चा अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, अपने मुल्क के साथ है, अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार है। मेरी यूथ से भी और आने वाली जनरेशन से भी ये गुजारिश है, ये एक शुरुआत हुई है जो हमने आज की है, लेकिन हम 15 अगस्त को सिर्फ एक छुट्टी ना देखें, हम 15 अगस्त को दिवाली और ईद देखें। जिस तरह हम वो त्योहार मनाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हमें घरों से निकल के इस अपनी योम आजादी को मनाना चाहिए। हजारों लोगों की कुर्बानियों और शहादतों के बाद हमें ये कुर्बानी, ये आजादी मिली है। आजादी की कीमत, आजादी की पहचान उससे पूछो जिसको एक दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया। अगर माँ बाप भी किसी बच्चे को एक दिन के लिए कमरे में बंद कर देते तो उसकी क्या हालत होती। उसी तरह सोचो कि अगर हमारा मुल्क आजाद नहीं हुआ होता, हम आज भी गुलाम होते तो हमारी जिंदगी क्या होती। मैं उन सब शहीदों को 1857 से लेकर 1947 तक और उसके बाद भी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान पर न्यौछावर की है, मेरा उन सब शहीदों को सलाम नमन खराजे अकीदत। मैं चाहूंगा कि हर साल अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक इसी तरह का आजादी वाले दिन, आजादी से पहले जिस भी दिन उनको मिलता है, वो अपने अपने गांव से निकल के, अपने अपने शहर से निकल के जियो। जरूरी नहीं मेरी कयादत में, किसी की भी कयादत में। हमने एक शुरुआत करनी थी, हमने एक स्पिरिट जगानी थी, जो अल्लाह ने किया कि आज पुंछ के हर गाँव के बच्चे में, हर गांव के वो लोग जो आजादी को मनाना चाहते हैं, उनको न्योता दिया और वो बाहर आए। ब्रिगेडियर साहब सफेद दाढ़ी वाले भी यही है और 18 साल वाले भी यही है। तो ये स्पिरिट है।